हेलो दोस्तों, MRSE टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज हम आपको बताएंगे, आज का वीडियो में आउटडोर यूनिट है मेरा ओ जनरल का 2 टन का, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा एयर कंडीशनर, इतना मॉडल नंबर, ये अपना हमारा 2 टन का स्प्लिट एसी थी। इसका हम आउटडोर यूनिट का फुल वायरिंग आपको एक एक करके बताएंगे। इसमें क्या है कि आउटडोर यूनिट देखिए, यहाँ पर अपना आइसोलेटर दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट इसका आउटडोर में सप्लाई आया और आउटडोर से ही हमारा यहाँ से जो है इंडोर के लिए सप्लाई आउट किया है। ये देखिए आपका लाइन और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल अपना, ये इंडोर के लिए। और एक वायर 3 नंबर जो है, आप जो पीला कलर थोड़ा ग्रीन में देख रहे हैं, ये 3 नंबर वायर जो है इंडोर यूनिट से हमारा CP कंट्रोल पावर आया है, जिसके बाद आपका ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो इसका कैसे प्रोसेस है, हम आपको एक एक करके पूरा, हम वायर पहले तो वायर को रिमूव कर देते हैं और आपको हम बताते हैं कि आप कैसे इसको कनेक्शन दे सकते हैं। अगर वायर कहीं ख़राब हो गया या वायर निकाला हुआ आपको मिल गया तो आप खुद से कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हम एक एक करके अभी सब वायर को रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको हम कनेक्शन दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी मैंने सभी वायर को रिमूव कर दिया है। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, सब वायर को मैंने हटा दिया है। ओके, ये अपना कैपेसिटर का भी ये था वायर, इसको भी हटा दिया। ओके, और अपना इधर फैन का जो कैपेसिटर है वो भी हटा दिया, रिमूव कर दिए हैं। ये हमारा सिर्फ वायर इधर से आया है, बचा हुआ है। ये हमारा सप्लाई इधर से इनपुट डाला हुआ है और यहाँ से इंडोर के लिए आउट किया हुआ है। तो अभी हम आपको 1 बाय 1 करके आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर का 3 वायर रहेगा, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। तो पहले आपको याद कर लेना होगा कि कौन मेरा रनिंग है और कौन हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही आप, अभी पहले से मेरा फाइंड आउट किया हुआ है कि हमारा कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग कभी भी हमारा जो है ना वो सिंगल लगता है, तो ये हमारा रेड वायर जो है हमारा स्टार्टिंग है। ओके, तो अभी रेड वायर को हम कनेक्शन करेंगे। थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा वायरिंग समझ में आ जाएगा। ये स्टार्टिंग, ये 2 पॉइंट में से हम कहीं भी किसी पॉइंट में हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो स्टार्टिंग है ना, कभी भी ये सिंगल पॉइंट में रहेगा। ये स्टार्टिंग को हम सिंगल पॉइंट में डाल दिए। अब दूसरा हमारा ये वायर जो है, ये हमारा रनिंग है, ये कंप्रेसर का। ये देखिए कंप्रेसर से आ रहा है वायर, 3 वायर, ठीक है ना। तो एक रनिंग, सॉरी स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन, ठीक है। तो अब हम रही बात रनिंग, तो ये हम डाल दिए रनिंग, ठीक है, रनिंग। ओके, अब अपना स्टार्टिंग और रनिंग डाल दिए। अब कॉमन हमको डालना है, तो कॉमन को हम क्या करेंगे कि अपना ये अपना रिले के जरिए यहाँ पे एनो पॉइंट में डाल देंगे, आउट कराएंगे कि जब हमारा कंट्रोल पावर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा तो हमारा ये आउट करेगा। तो इसका हमारा जो है 1 नंबर पॉइंट जो है, अभी जैसे आपका ये देखिए ड्रॉइंग भी इसमें दिया हुआ है, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ड्राइंग के जरिए भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए अपना कंप्रेसर का वायर, ठीक है, और दूसरा अपना ये जो फैन है, अपना ये आउटडोर फैन है, फैन का भी वायर इसके साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा जो है वायर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इसके साथ मिक्स है। एक फैन का, ये देखिए फैन का एक आया हुआ है वायर, और ये कंप्रेसर का, एक कंप्रेसर का वायर है। तो ये हमारा कितना नंबर से आउट किया गया है, 1 नंबर से। तो ये हमारा पॉइंट 1 नंबर, ये आपको अभी पॉइंट नज़र नहीं आएगा, 1 2 लिखा हुआ है इस पर, 1 4 6 5 लिखा हुआ। तो 1 पॉइंट से हम, 1 नंबर पॉइंट से इसको हम ये दे दिए कंप्रेसर का। आप देखिए कॉमन दे दिए, रनिंग दे दिए, स्टार्टिंग दे दिए, तो फेज तो यहाँ से मिल गया। अब इसको न्यूट्रल चाहिए ना कंप्रेसर को रन कराने के, तो न्यूट्रल जो है हमारा रनिंग पॉइंट से, कभी भी जो हमारा न्यूट्रल जो है ना रनिंग पॉइंट से देते हैं। तो ये हमारा रनिंग पॉइंट है, ये रनिंग पॉइंट से हम आपका न्यूट्रल दे दिए। बस सिंपली आप याद रखिए, ज़्यादा इसका हार्ड कनेक्शन नहीं है, रनिंग को न्यूट्रल दे दिए, स्टार्टिंग को सिंगल रखेंगे, कॉमन को यहाँ रिले से आउट करा दिए, कॉन्ट्रेक्टर रहेगा तो कॉन्ट्रेक्टर का आउट से इसको आउट करा देंगे, ठीक है। ये ओनली सेफ्टी पर्पस यूज किया जाता है, हम डायरेक्ट भी कंप्रेसर को चला सकते हैं, लेकिन मेरा सेफ नहीं रहेगा ना। और तो इसके लेकर के ये आपको दिया गया है, अपना रिले दिया गया है या कॉन्ट्रेक्टर दिया रहेगा, ठीक है। अब बचा हमारा फैन का, फैन का भी अब रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग रहेगा। तो कॉमन तो आप डाल दिए यहाँ पे कंप्रेसर का कॉमन के साथ मिला करके, ओके, कि जब कंप्रेसर मेरा ऑन लेगा तो हमारा कंडेंसर फैन भी ऑन लेगा। अभी रही बात, अब दूसरा इधर में अब बच गया हमारा स्टार्टिंग, हमारा रेड वाला है। ये आप याद रखिएगा कि स्टार्टिंग कभी अकेला लगाएंगे, तो इसमें देखिए आप टोटल 3 खुटी नज़र आ रहा है ना, तो एक अलग है, ये 2 एक साथ एक ही ज्वाइंट बनाया हुआ है, वो ज़्यादा डालने के लिए उसमें पॉइंट। तो ये हमारा जो है एक
स्टार्टिंग को डाल दिए, स्टार्टिंग को हम अलग डाल दिए, ठीक है। और स्टार्टिंग को डालने के बाद अब उसके बाद रनिंग डालना है ना, अब इसको स्टार्टिंग के साथ रनिंग, ठीक है। तो रनिंग को अब न्यूट्रल चाहिए, तो इसके लिए एक देखिए वायर इसमें है, इधर से हम न्यूट्रल से यहाँ से लिए हुए हैं, तो ये न्यूट्रल का हम वायर ले लिए, ये हम फैन कैपेसिटर में डाल दिए। अभी यहाँ पर देखिए हम यहाँ न्यूट्रल यहाँ से निकालो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा से। ये देखिए इधर में जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका लाइन है, ये आपका न्यूट्रल है ब्लू वाला। तो ब्लू वाला से हम देखिए वायर निकाले हैं, ये छोटा छोटा वायर जो है ब्लू वाले से ऊपर से मालूम चलेगा, ठीक है ना, ये निकाले हुए हैं। फिर ये न्यूट्रल का लाइन है, ये टोटल दो तीन लाइन आप देख रहे हैं। ये तो न्यूट्रल एक तो हम कंप्रेसर के लिए दे दिए यहाँ पर कैपेसिटर के जरिए, फिर दूसरा एक हमारा छोटा वाला वायर है ये यहाँ पर दे दिए हम, ठीक है। और ये इंडोर यूनिट के लिए देखें यहाँ पे लूप किया हुआ है, आपको नज़र आएगा ये न्यूट्रल को जो है न्यूट्रल को इधर से इधर लूप कराया गया है, ठीक है। और जो फेज आउट किया गया है, तो फेज को क्या किया है, इसमें थोड़ा सेफ्टी के लिए 5 एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज डाल दिया है। यहाँ वायर जैसे यहाँ पर जो अपना फेज आ रहा है ना, जिसे इसको भी डायरेक्ट लूप कर सकता था, यहाँ से उठा करके डायरेक्ट इंडोर यूनिट के लिए फेज को डाल सकता था, लेकिन इसने क्या किया है कि डायरेक्ट लूपिंग नहीं किया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं डाल करके इसको फ्यूज के जरिए यहाँ फ्यूज लाया, फ्यूज के जरिए यहाँ से निकाल करके इसको और इसको इंडोर यूनिट के लिए आउट कराया। तो ये आपका फ्यूज के जरिए आउट कराया है, ठीक है। तो अभी दूसरा आपको दिखाता हूँ मैं कि अब मेरा क्या कनेक्शन इसमें बचा। हाँ दोस्तों, तो अभी अब हमारा जो फेज है, फेज को रिले में हम डालेंगे, ये हमारा फेज आ रहा है इधर से, फेज आ मेन फेज आ रहा है, तो फेज को हम कहा कि जो आउटर यूनिट का है फेज को यहाँ पर हम रख देंगे, फेज को रिले के एक पॉइंट में हम डाल दिए और यहाँ से देखिए आउट कर रहा है, लेकिन ये हमारा एनो पॉइंट है। जब हमारा ये जो ये कॉइल वोल्टेज जो है ये दोनों इसमें मैग्नेट बनेगा, जब हम इसको अपना कंट्रोल पावर सीपी इसमें सप्लाई डालेंगे, तो ये पकड़ता है आपस में, पकड़ने के बाद ये एनसी हो जाता है नॉर्मली क्लोज, तो हमारा ये कंप्रेसर और कंडेंसर फैन रन होने लगेगा। लेकिन अभी हमारा जो वोल्टेज अभी हम ऑन भी करेंगे तो यहाँ पर आकर के हमारा स्टे किया रहेगा, यहाँ पर रुका रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई इधर पार नहीं होगा, इसके लिए रिले लगाया गया है। तो अभी ये तो हो गया, एक वगला कनेक्शन फ्री हो गया। अब हमको इसके लिए क्या कहते हैं, 3 नंबर जो हमारा इंडोर यूनिट से आ रहा है, तो हमारा लास्ट वाला देखिए 3 नंबर ये है, ये वाला जो वायर है हमारा, तो इसको हमको कहाँ डालना है, इसको हमको डालना है देखिए अभी इसमें ड्राइंग में रहेगा, तो आप ड्राइंग देख के डाल सकते हैं। 3 नंबर देखिए यहाँ से, यहाँ 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर ब्राउन वायर जो है हमारा 5 नंबर में, तो इसमें आप देखिए कि 5 नंबर कौन है, तो 5 नंबर हमारा ये वाला लास्ट वाला है, तो 5 नंबर हम इसमें डाल दिए। दूसरा कौन बचा, अभी 6 नंबर वायर के लिए, 6 नंबर वायर के लिए हमारा कौन सा है, 2 न्यूट्रल। अब इसको न्यूट्रल फेज चाहिए, ये कंट्रोल पावर तो मिल गया फेज, और न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, अगर यहाँ से भी आप उठा के दे सकते हैं, जैसे यहाँ सबका न्यूट्रल दिया गया है ना, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं है तो इसके लिए न्यूट्रल का पॉइंट अलग से है। तो हम न्यूट्रल का देखिए, ये न्यूट्रल का पॉइंट निकाला हुआ है, तो ये हम न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से यहाँ डाल देंगे, ये हमको फेज और न्यूट्रल। अब ये दोनों जब काम करेगा तो हमारा कंप्रेसर रन होगा, आउट करेगा। तो ये आपका नॉर्मली कनेक्शन था, ठीक है। तो यही आज का वीडियो हमारा इतना था, आप हो सकता है उम्मीद है आपको बहुत सारा कुछ समझ में आ गया होगा अपना आउटर यूनिट का वायरिंग। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट तो आप एक मिनट आप देख लीजिए, तो ये हमारा जो है यहाँ से जो है क्या कर रहा है, आइसोलेटर से हमारा एक सप्लाई यहाँ पे आया 3 फेज LN, ठीक है, और ये अपना ये आउटडोर यूनिट के लिए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका ग्राउंड एक आया हुआ है, तो ग्राउंड को यहाँ पे ग्राउंड के जरिए कनेक्ट कर दिया गया, ये सेफ्टी पर्पस यूज किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ फिर एक देखिए L1, ये L1 लिखा रहेगा, L1 लिखा हुआ है, L1 फिर N2 और फिर इधर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये L1 और L2 जो N2 जो लाइन और न्यूट्रल जो है ये इंडोर यूनिट के लिए यहीं से जा रहा है, ठीक है ना। ये अगर यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो इंडोर में सप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है। अब 3 नंबर जो है इंडोर यूनिट से जो कंट्रोल CP पावर छोड़ता है PCB के जरिए, वो यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है। और इस ये वाले को जो हम हैं रिले में वहाँ पे कनेक्टेड कराए हैं रिले के साथ, ठीक है, A1 के जगह पे। अब मतलब 5 नंबर के अंदर उसमें डाले हैं, ये रिले है ना, तो रिले में 5, 6 और 1, 4 का मेंशन किया हुआ है। कॉन्टैक्टर रहता तो सीधे A1 A2 रहता, लेकिन फंक्शन सेम ही है, ठीक है। तो अभी इसके लिए ज़्यादा आपको पाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कनेक्शन दिया है तो ये इंडोर यूनिट से भी दे सकता है, कनेक्शन सेम ही रहेगा। आउटडोर यूनिट से दिया है तो भी आप एक जगह से कहीं का कनेक्शन दे सकते हैं, मतलब दोनों जगह का इंडोर आउटडोर का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हम आपको नॉर्मली बोर्ड पर एक वायरिंग बना करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका कनेक्शन तो ज़्यादा समझ में आएगा, छोटा में समझ में नहीं आ रहा आपको और थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जा रहा होगा मे बी, तो हम आपको एक क्लियर पूरा ड्राइंग बताएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक पर हम वीडियो आपको बनाएंगे और आपके लिए फ़ायदा होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। चलिए फिर अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ।